तो ये एक्सरसाइज 1.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने इसको प्रूव किया, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 1/√2 इरेशनल प्रूव करना है, 7 × √5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है, 6 + √2 ये आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। 6 + √2 जैसे आपने अभी किया 3 + √5 इसी तरह से कर लीजिए, 7 √5 भी इसी तरह कर लीजिए। तो 1/√2 देखो, 1/√2 को, 1/√2 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रैशनलाइज कर लीजिए इसको आप, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, √2 वन जा √2, √2 × √2, √2 सुके सुके रूट कैंसिल, √2/2, तो 1/√2 को आप √2/2 भी लिख सकते हैं। तो √2/2 को आप अभी जैसे किया आपने इसी तरह से आप कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए √2/2 इरेशनल नहीं है, नॉट इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर सपोज कर लीजिए a/b के फॉर्म में, तो फिर यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 2 यहां पे ले लीजिए, तो देखो ये क्या बन जाएगा, √2 = 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a/b, यहां पे a और b इंटीजर है आपको देखो, तो देखो अगर इंटीजर a को 2 से मल्टीप्लाई करेगा वो इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर/इंटीजर ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये रैशनल नंबर है आपका, तो 3a, देखो a क्या है आपको, इंटीजर से 2 को मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर में भी इंटीजर, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर, वो क्या है, रैशनल, तो 2a/b रैशनल आ रहा है, तो √2 क्या हो गया, रैशनल, तो ये कंट्राडिक्शन है यहां पे, √2 क्या है, इरेशनल नंबर। इस तरह √5 को आपने इरेशनल नंबर प्रूव किया था, उसी तरह से √2 को भी इरेशनल नंबर आप प्रूव कर सकते हैं, तो ये √2 रैशनल आ रहे हैं यहां पे, √2 रैशनल, ये कंट्राडिक्शन आ रहे हैं। तो therefore यहां पे आप लिख सकते हैं therefore 2a/b इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इंप्लाइज 2a/b किसके बराबर, √2, √2 इज रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ये तो कंट्राडिक्शन आ गया यहां पे, ये व्हिच कंट्राडिक्ट्स, व्हिच कंट्राडिक्ट्स दैट √2 इज नॉट रैशनल नंबर, या व्हिच कंट्राडिक्ट्स दैट √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, √2 इज रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर our supposition is wrong, supposition is wrong, हमारा supposition, हमने suppose क्या किया था, हमने suppose किया था कि 1/√2 जो √2/2 के बराबर है, ये rational हमने suppose किया था, तो therefore 1/√2 our supposition is wrong, therefore 1/√2 is irrational number, तो ये irrational number है। हमने सपोज क्या किया था, देखो यहां पे 1/√2 √2/2 के बराबर आ गया, √2/2 हमने रैशनल सपोज किया था यहां पे, सपोज √2/2 इज नॉट इरेशनल नंबर, सपोज √2/2 रैशनल नंबर, देयरफॉर √2/2 इज इक्वल टू a/b सपोज किया था, तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग आ गया, और सपोजिशन इज रॉन्ग, तो देयरफॉर √2/2 इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, तो √2/2 किसके बराबर, 1/√2, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, यहां पे मैंने हिंट दिया आपको, तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपको रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड ये डेसिमल एक्सटेंशन। देखो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड ये डेसिमल एक्सटेंशन, तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पे लिख देंगे revisiting rational number and their decimal expansion। तो देखो ये टॉपिक है आपका Revisiting rational number and their decimal expansion, ये आपका टॉपिक है, तो यहां पे ये टॉपिक है आपका
देखिए रेशनल नंबर आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर जो p / q फॉर्म में होते हैं, p और q इंटीजर होते हैं, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपको रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। p और q यहां पे इंटीजर है आपको, फॉर एग्जांपल p की जगह पे एक इंटीजर बताइए आप 1 इंटीजर है, q की जगह पे नॉन जीरो इंटीजर बताइए 2, 1/2 आपका रेशनल नंबर है। इसी तरह p की जगह पे आप 2 ले लीजिए, q की जगह पे आप 3 ले लीजिए 2/3, ये भी आपका रेशनल नंबर है। सो ये सारा रेशनल नंबर है। अब देखो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन क्या होते हैं, देखो डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेगा, 1/2 मींस 1 को 2 से डिवाइड, देखो यहां पे 200 आ जाएगा, यहां पर पॉइंट, यहां पे 0 2 5 10, तो 1/2 किसके बराबर आ गया, 0.5 के बराबर, तो ये 5 पे टर्मिनेट हो रहा है, तो मींस इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कहेगा इसको हम, इसको क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग। इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहां पे 1/3 ले हम, 1/3 किसके बराबर है, इसका क्या मतलब है, 1 को 3 से डिवाइड, तो 300 यहां पे पॉइंट लगा लीजिए, यहां पे 1-01 यहां पे पॉइंट, यहां पे 0 लगा लीजिए, 3 3 9, यहां पे फिर से 1, तो यहां पर पॉइंट लगाया है तो यहां पे 0 3 3 9, यहां पे फिर 1, तो ये रिपीट हो रहा है। तो देखो 1/3 किसके बराबर, 0.33, सो तो 1/3 0.3 बार भी इसको आप लिख सकते हैं, 3 बार का क्या मतलब है, 3 रिपीट हो रहा है यहां पे, तो लिहाजा देखो ये भी रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल फॉर्म आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहां पे ये रिपीट हो रहा है, तो इसको आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहे हैं, ये 9 क्लास है आपका, 9 क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ा है, तो रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहे हैं। और इरेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म क्या आते हैं, देखो जैसे इरेशनल नंबर आपके पास √2 है, इसको डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए अलग से एक मेथड है जो 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, 1 1 1, यहां पे जिस नंबर से यहां मल्टीप्लाई करेंगे वो यहां भी आप लिखेंगे 2 1 1, यहां पर पॉइंट लगाएंगे, यहां पे 2 0 लिखना है, ये अलग से मेथड है आपको, देखो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था उसी को ऐड भी करना है, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो जिस नंबर से यहां मल्टीप्लाई कर लेगा वो यहां भी आप लिखेगा, फॉर एग्जांपल यहां पे 2 लिखेगा, 2 2 4 2 2 4, 44 से कम है, यहां 3 लिखेगा, 3 3 9, 3 2 16, 16 है, ये भी कम है, तो 4 यहां 4 4 4 16, 6 1 4 2 8 9, 96, ये इसके करीब आ रहे हैं, 5 5 5 25, 2 यहां पे, 5 2 10, 12, 125 ज्यादा हो रहे हैं, तो 4 से लगाएंगे यहां पे, 4 4 16, 6 1 4 2 8 9, 96, तो 10 6 4, 9 9 0, तो यहां पे डेसिमल लगाया है तो यहां पे 2 0 चढ़ा है, आपको याद रखना पहले वाले मेथड में आप 1 0 लगाते थे डेसिमल के बदले में, यहां पे 2 0 इकट्ठा लगाना है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था 4 से वो यहां पे ऐड करना है, तो 4 4 8 28 हो जाएगा। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां 1 से लगाएंगे, यहां भी 1 से, 1 1 1 1 8 से 2 81 हो जाएगा, यहां 2 से लगाएंगे, यहां भी 2 2 4 2 8 16, 6 1 2 2 4 5 ज्यादा हो रहा है, तो यहां पे 1 लिखेंगे आप, 1 1 1 1 8 8, 1 2 2, सब्ट्रैक्ट करने से 10 1 9, 9 9 0, 3 2 1, यहां और 2 0 चढ़ाना है, यहां पे क्या ऐड करेंगे आप, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था 1 1 को यहां ऐड करेंगे, 1 + 1 2 8 2, तो इस तरह से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें
और आप जितना इसको मल्टीप्लाई करता जाएगा ये कभी खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और न रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट फॉर्म में आ जाएगा। तो रूट टू क्या था आपका इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट टू, देयरफॉर रूट टू का डेसिमल फॉर्म क्या आ गया 1.41। So, तो ये क्या आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहे हैं। तो ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म जैसे 1/2 आपको किसके बराबर आ गया 0.5, 1/3 किसके बराबर आ गया आपको 0.333। तो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या टर्मिनेटिंग 5 पे टर्मिनेट हो रहे हैं या ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या टर्मिनेटिंग आते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आते हैं। इसी तरह इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये 8th क्लास में, ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। तो हम यहां पे फिर से इसको लिख लेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो देयरफॉर यहां पे आप लिख सकते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर क्यों से आप डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग होते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये आपको ध्यान में रखना है दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। यहाँ पे हम एग्जांपल भी लिख के रखेंगे, जैसे 1/2 रैशनल नंबर है ये 0.5 के बराबर है तो ये टर्मिनेटिंग आ गया आपको, ये टर्मिनेटिंग आ गया। इसी तरह से 1/3 भी रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल फॉर्म 0.333, सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये आ गया आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आ गया आपको। तो इस तरह से आ गया। तो यही आपका था रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, कि रैशनल नंबर को फिर से आपको रिविजिट करना, फिर से दोबारा से पढ़ना है 10th क्लास में और उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको पढ़ना है। तो ये 9th क्लास में पढ़ा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब और एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहां पे नोट देखिए, जिस रैशनल नंबर के अब रिपीटिंग किसका आ जाएगा, टर्मिनेटिंग किस रैशनल नंबर का आ जाएगा, ये आपको क्वेश्चन है। यहां पे देखो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या टर्मिनेटिंग आते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। अब आपको क्वेश्चन ये है किस रैशनल नंबर का टर्मिनेट आ जाएगा या किस रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर या 2 हो या 5 हो या दोनों हो उसका टर्मिनेटिंग आ जाएगा, और जिसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर ना 2 हो, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर हो, 2 और 5 भी हो लेकिन उसके अलावा कोई और नंबर हो, या 2 और 5 में से एक नंबर के साथ कोई और नंबर हो या 2 और 5 के बगैर कोई और नंबर हो, तो उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आते हैं। कि आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे हम नोट लिख लेंगे, तो किस रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग आ जाएगा, किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग
terminating whose denominator is whose denominator यहाँ पर आप लिख सकते हैं the decimal extension of those rational number is terminating such that यहाँ पर आप लिख सकते हैं such that the prime vector of denominator is denominator contains either 2 या जिसके denominator के prime vector में या 2 हो या 5 हो या दोनों हो of denominator contains either 2 or 5 or both जिसके denominator के prime vector में या 2 हो या 5 हो या दोनों हो उन rational numbers का decimal expansion आपको terminating आ जाएगा तो यहाँ पे हमने लिखा है the decimal expansion of those rational number are terminating such that the prime vector of denominator contains either 2 or 5 or both example देखिए आप जैसे 1 by 2 है इसके denominator का prime vector क्या आएगा 2 तो लिहाजा इसका क्या आएगा 0.5 terminating आ रहा है जैसे आप देखिए 1 by 5 किसके बराबर 0.2 के बराबर तो जिस इसके denominator में क्या है prime vector 5 है तो ये terminating आ जाएगा for example 1 by 10 देखो 1 by 10 के prime vector में 2 into 5 2 5s are 10 इसके denominator के prime vector में या 2 और 5 दोनों है देखो यहाँ पर हमने लिखा either 2 or 5 or both इसके denominator में 2 है इसमें 5 है इसमें दोनों है तो लिहाजा इसका decimal expansion आपको terminating आ जाएगा तो ये 1 by 10 किसके बराबर है decimal form में लिखेगा तो 0.1 लिखते हैं आप क्योंकि 10 0 0 फिर आगे 0 लगाने से 10 1 से 10 हो जाएगा 0.1 terminating आ रहा है तो इसी तरह के जितने भी rational numbers हो जिनके denominator के prime vector में या 2 हो या 5 हो या दोनों हो उनका आपको क्या आ जाएगा decimal expansion आपको terminating आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिख लीजिए दूसरा लिखिए आप द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग such that the prime vector of denominator contains the numbers other than 2 or 5 के अलावा जिनके denominator के denominator के prime vector में 2 or 5 के अलावा कोई और number भी हो तो उनका decimal expansion non-terminating repeating आ जाएगा तो ये आपको ध्यान में रखना है तो किन rational number का decimal expansion non-terminating repeating आ जाएगा जिनके denominator के prime vector में 2 or 5 के अलावा कोई और number भी हो example देखिए 1 by 3 अभी आपने निकाला 0.333 non-terminating repeating इसके denominator में ना 2 है ना 5 है देखो इसी तरह से 1 by 7 के भी क्या आ जाएगा non-terminating, non-repeating आ जाएगा
इसी तरह 1 by 9 का भी क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इसके पैरामीटर में 3 into 3 आ जाएगा, ना 2 है ना 5 है, यहां से नॉन टर्मिनेटिंग।